यूपी पुलिस जो अपने कारनामों की वजह से अक्सर चर्चा में बनी रहती है, चाहे वो अवैध धन वसूली की बात हो या फिर जनता से दुर्व्यवहार की बात हो, एक ऐसा ही मामला सामने आया है यूपी के रायबरेली जिले से, जहां खाकी पर एक बार फिर दाग लग गया है। बता दें कि रायबरेली की पुलिस ने नौटंकी के दौरान अराजकता फैलाने पर एक शख्स को अपना थूक चाटने के लिए मजबूर किया और 2 लाख रुपए की मांग की। दरअसल पूरा मामला है नसीराबाद कोतवाली क्षेत्र का, जहां प्रधान प्रतिनिधि से थूक कर चटवाने का आरोप लगा है। उच्च अधिकारियों को शिकायत पत्र में नसीराबाद थाना क्षेत्र के कपूरपुर ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि सुनील शर्मा का आरोप है कि नसीराबाद कोतवाली क्षेत्र में दिन में मेला और रात में नौटंकी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस बीच वहां देर रात पुलिस पहुंची और गांव नौटंकी कार्यक्रम की परमिशन मांगी, जिसके बाद भीड़ में लाठीचार्ज के साथ नौटंकी बंद करवा दी गई। इस बीच प्रधान प्रतिनिधि सहित 4 अन्य लोगों को थाने ले गई, उनके साथ मारपीट की गई, यहां तक कि थूक कर चटवाया गया। 29 तारीख को हमारे यहाँ मेला लगा था और मेला में रात में नौटंकी का प्रोग्राम था और प्रोग्राम के दौरान लमसम 11:30 बजे करीब 2 बच्चे कुर्सी के लिए लड़ाई कर लिए। लड़ाई करने के बाद कोई आ गया, आदमी 112 डायल किया, 112 आई, समझाई बुझाई, वो चली गई, मामला शांत हो गया। लमसम आधा घंटा बाद एसओ की गाड़ी आई, एक एसएसआई, एक एसआई, 4-5 पुलिस वाले आए और बोले कि परमिशन है कि नहीं। हम बोले भैया परमिशन तो नहीं है। उसके बाद बोले चलो साहब बुलाए हैं थाने, हम तो ठीक है, हम चल रहे हैं, और तुरंत लाठीचार्ज करने लगे। लाठीचार्ज किया, फिर उनके पास समझाया बुझाया, फिर उनके साथ में हम गए थाने। तो आपके ऊपर लाठीचार्ज किया या पब्लिक के ऊपर लाठीचार्ज किया? हमारे ऊपर नहीं, बोले कि चलो थाने। हम लोग थाने गए, हम थाने लोग 5 लोग गए और 5 लोग जैसे पहुँचे थाने, अंदर करके मारने पीटने चालू कर दिए। ठीक, और मारने पीटने के बाद फिर ले जाके अकेले में फिर मारे पीटे मारने पीटने के बाद वो बोले कि फूको और चाटो। ठीक है, लमसम 2 बजे करीब बोले 2 लाख रुपए दो, अभी हम छोड़ देंगे। बता दें कि इस पूरे मामले के बाद सुनील शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि नसीराबाद के थानाध्यक्ष शिवाकांत पांडे ने उनसे 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है। इस मामले के सामने आने के बाद हंगामा हो गया और राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने शनिवार को एसपी से लिखित शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया में एक खबर थाना नसीराबाद से संबंधित वायरल हो रही, जिसमें प्रधानपति व प्रधान संघ द्वारा थाना नसीराबाद पुलिस पर आरोप लगाया गया है, जिसके संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 30 अक्टूबर 2024 की रात में ग्राम कपूरपुर में बिना अनुमति के एक नौटंकी का प्रोग्राम हो रहा था, जिसमें कुछ लोगों द्वारा आपस में मारपीट की जा रही थी। ग्रामीणों द्वारा पीआरबी पुलिस और थाना पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसमें पुलिस बल मौके पर पहुंचा था, लोगों को समझाया गया, जिसमें इनके द्वारा ना मानने पर 5 लोगों को थाना पुलिस द्वारा थाने पर लाया गया, लाकर इनका जो है सभी का मेडिकल करवाया गया, जिसमें मेडिकल में शराब पीने की पुष्टि हुई थी और कोई भी बाहरी इंजरी नहीं आई हुई थी। थाना पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई की गई, जो इनके पुलिस पर अन्य आरोप लगाए गए हैं उसके संबंध में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जांच की जा रही है। बता दें कि यूपी पुलिस अपनी तेज और ठोस कार्रवाई के लिए जानी जाती है, लेकिन इस तरह की घटना यूपी पुलिस पर सवाल उठा रही है। बहरहाल मामले में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संघ छतोर ब्लॉक के प्रधानों ने नाराजगी जताते हुए शिकायत पत्र के साथ नारेबाजी की है, जिसके बाद एसपी ने मामले में एएसपी समेत सीओ सलोन प्रदीप कुमार को जांच सौंपी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रायबरेली से शिवकेश सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।